चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, ये तो आपको मालूम चल ही गया होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नीट का रिजल्ट जारी करने के लिए बोल दिया है और ये शाम तक जारी हो जाएगा। अभी सभी स्टूडेंट के मन में ये डाउट है कि उन दो स्टूडेंट की री एग्जाम का क्या होगा और उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, तो इस वीडियो में मैं आपको पूरे केस की डिटेल के साथ साथ यह भी बताऊंगा कि कोर्ट रूम में क्या बहस हुई। इसको जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि जो 3 जजेज की बेंच थी, इस केस की हियरिंग कर रही थी, उसमें जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बी आर गवई थे। एनटीए की तरफ से सोलिसिटर जनरल थे और स्टूडेंट की तरफ से एडवोकेट सुधांशु एस चौधरी थे। ये हियरिंग तकरीबन 10:35 पर स्टार्ट हो गई थी। तो इसमें जस्टिस एल नागेश्वर राव ने सोलिसिटर जनरल से कहा कि आपने कहा है कि दो स्टूडेंट हैं, एक ने 130 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और दूसरे ने 160 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, क्या आप उनके मार्क्स को केवल 200 के अंदर काउंट कर सकते हैं? उनका कहना है कि उन्हें सिर्फ 45 मिनट्स ही मिले। तो इसमें आगे जो स्टूडेंट की तरफ से पक्ष रख रहे थे स्टूडेंट काउंसिल, उन्होंने कहा कि इनविजिलेटर ने कॉपी मिक्स कर दी थी, मैंने जल्दीबाजी में सवालों के गलत जवाब लिखे थे और उन्हें जल्दीबाजी में अटेम्प्ट किया गया और ये हाई कोर्ट को बताया गया था। हाई कोर्ट द्वारा एक कॉमन ऑर्डर पास किया गया था और एनटीए द्वारा कोई शिकायत नहीं की गई थी। तो इसके बाद में जस्टिस नागेश्वर राव ने कहा स्टूडेंट काउंसिल से कि ये आपने पिटीशन कब फाइल की थी, तो काउंसिल ने जवाब दिया कि सेकंड ये 22 सितंबर ये पिटीशन फाइल की थी और ये तब फाइल की थी जब इन्विजिलेटर ने यह माना, वो एग्री हो गया कि ये क्वेश्चन पेपर मिक्स हुआ है। इसके बाद में सोलिसिटर जनरल ने कहा कि उन्होंने अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं लेकिन वहाँ अन्य 6 स्टूडेंट भी थे। इसमें जस्टिस टैल नागेश्वर राव ने आगे कहा कि हमें एक आदेश पारित करना होगा लेकिन हम स्टूडेंट को अधर में नहीं डाल सकते। आंसर लिखने वाले स्टूडेंट में हमेशा चिंता बनी रहती है, वो मेधावी छात्र थे, आपके इन्विजिलेटर ने ही इसे एक्सेप्ट किया है। तो इसमें आगे जो जस्टिस एल नागेश्वर ने स्टूडेंट काउंसिल से कहा कि अगर अन्य स्टूडेंट भी थे जिन्हें इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ा तो वे कोर्ट में क्यों नहीं आए, वे पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सकते थे, वो पूरा पेपर कंप्लीट कर सकते थे, ऐसा काउंसिल से कहा एल नागेश्वर जो जस्टिस थे, उन्होंने ऐसा कहा। तो इसी के जवाब में काउंसिल ने कहा कि उन्हें मिस्टेक के बारे में जानकारी नहीं थी। काउंसिल का कहना था कि जो बाकी स्टूडेंट थे जो कोर्ट में नहीं आए, उन्हें इसका पता नहीं था कि मिस्टेक हो गई है। हमारा ये सेकंड ड्रॉप था, यानी कि सेकंड अटेम्प्ट था, सेकंड टाइम हमने एग्ज़ाम दी थी, हमें पता था कि क्या हो सकता है, उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी, उन स्टूडेंट को इसकी जानकारी नहीं थी। हालांकि क्वेश्चन पेपर सेम है, क्वेश्चन पेपर को जो मिलाने को जो मिक्स हो गया था उसको लेकर ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो इस प्रकार से ये स्टूडेंट के काउंसिल ने कहा है। अभी इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने सोलिसिटर जनरल से कहा कि हम नोटिस जारी करेंगे और हाई कोर्ट के जजमेंट पर स्टे दे रहे हैं, एनटीए रिजल्ट अनाउंस करें, 16 लाख स्टूडेंट ऐसे हैं जो रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद में जस्टिस एल नागेश्वर राव ने आगे कहा हम देखेंगे कि हम इन दो स्टूडेंट के लिए क्या कर सकते हैं, इनके कारण रिजल्ट को नहीं रोक सकते, इन स्टूडेंट के साथ जो भी हुआ है उसे सुधारने के लिए सेंटर तैयार है, लेकिन प्लीज रिजल्ट अनाउंस करें, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। आगे जस्टिस एल नागेश्वर राव ने आगे कहा कि हम 12 नवंबर शुक्रवार को फ्राइडे को इसे फिर से देखेंगे,
हम देखेंगे कि क्या किया जा सकता है। लास्ट में करेक्शन में कहा गया कि दो छात्रों के साथ जो भी कुछ हुआ है उसे सुधारने के लिए एनटीए तैयार है। तो ये पूरे कोर्ट की कार्रवाई है। लास्ट में निष्कर्ष यही निकलता है कि अभी उन दो स्टूडेंट के साथ में क्या किया जा सकता है ये अभी पेंडिंग में ही है। बाकी रिजल्ट अनाउंस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है। तो एक ये स्टूडेंट का थोड़ा सा डाउट था, क्या हुआ कोर्ट रूम में, क्या बहस हुई, उन स्टूडेंट का क्या होगा, तो मैंने सोचा इसके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दे दी जाए। तो ये वीडियो आपके लिए तैयार किया है। मिलते हैं नई अपडेट के साथ में, जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तब तक के लिए मैं आपसे लेता हूँ विदा। जय हिंद।